जो बेसिक पर्पज़ है इस रीडिंग का, वो ये मैंने ऊपर भी बताया है जैसे पहले के जनरल स्टडी और दूसरे सब्जेक्ट का आपस में क्या रिलेशन है, क्या इंटरलिंक है। जैसे कि अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री में हम लोग जनरल स्टडी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, एंथ्रोपोलॉजी में जनरल स्टडी का पढ़ाया जाता है तो क्यों पढ़ाया जाता है, और इसमें आपस में ये और जनरल स्टडी वैसे भी मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, इसमें हर किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में भी इसको पढ़ाया जाता है। अब देखिए, इसमें मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट, इसमें लॉ को भी पढ़ाया जा रहा है, इसमें फाइनेंस को भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ लिंक कर रही है, क्यों? ये देखिए, हर फील्ड्स में, हर जगह पर, हर प्लेटफॉर्म में खवातीन मौजूद हैं, ठीक है। इश्यूज हमारे पास, अब आप बैंक में चले जाएँ तो फिर वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अगर आप फैमिली में भी चले जाएँ तो फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में खवातीन का मैसिव रोल है, वो उनको पीछे रखा जाता है, वो कैपेबल है लेकिन हम उनको कैपेबल नहीं समझते। अभी रिसेंटली तकरीबन 1.5 घंटे पहले एक ऑफिस में था मैपको के, वहाँ पे खवातीन, एक औरत काम कर रही थी और वो अकाउंट्स का काम था, और जबकि मैं उनके मेन ऑफिस में बैठा था, और मेन ऑफिस में लोग बैठे हुए बात कह रहे थे कि वो जो अकाउंट्स में नई लड़की आई है, जो कि जिसने सैलरीज वगैरह का सेंसिटिव मैटर है, वो इतनी कैपेबल नहीं है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। वहाँ मैंने बात की, मैंने क्यों कैपेसिटी नहीं है, क्यों कैपेबल बात क्यों नहीं है। हालांकि मैंने उनसे पूछा उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी वो भी एमकॉम है। मैंने कहा आप लोग जो सीनियर बैठे हो उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो भी एमकॉम थे। तो इसमें देखिए, एक माइंड सेट बन गया हुआ है, जैसे ऊपर अरूज ने भी आई थिंक कहा कि माइंड सेट बन गया हुआ है कि हमने समझ लिया हुआ है कि खवातीन कैपेबल नहीं है, वाइल दे हैं, वो हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं, हमने सिर्फ एक माइंडसेट बना लिया कि वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ खवातीन की बात नहीं कर रहे, हम दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों में मेल और फीमेल जेंडर स्टडी की इक्वालिटी होनी चाहिए। आखिर कब तक ये सब होगा? एक ना एक दिन हर इंसान, मेल एंड फीमेल दोनों अपने हकूक के लिए उठेंगे, खड़ा होना पड़ेगा। देखें, आज से पहले आप 10 साल पहले, 15-20 साल पहले की देख लें कि यूनिवर्सिटी में फीमेल की इतनी पार्टिसिपेशन नहीं थी, फीमेल इतनी एजुकेशन में नहीं आती थी, लेकिन आज देख लें क्यों, कि आहिस्ता आहिस्ता देखिए आएगा, देखिए इक्वालिटी आएगी दोनों के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम करना पड़ेगा और उसके लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। शान ने सवाल किया है कि सर इस सब्जेक्ट की वजह से लड़कों के हकूक पर फ़र्क पड़ा है। ऐसा नहीं है शान, कहीं पे भी इस सब्जेक्ट में या यहाँ बात नहीं की कि दिस जेंडर स्टडीज सिर्फ रिगार्डिंग टू द फीमेल राइट्स है। हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी की, हम कह रहे हैं मेल और फीमेल दोनों को बराबरी का हकूक मिला, और ऐसा कहीं पे भी आज तक नहीं है कि हम ये कहेंगे जी फीमेल रोल कहीं बढ़ गया। अब देखें, ये तो वैसे अगर आप देखा जाए तो ओवरऑल कई जगह पर ऐसा है कि किसी फैमिली में मेल्स डोमिनेंसी है तो कहीं पे फीमेल की भी डोमिनेंसी देखी जाती है। तो ये नहीं है कि एक आया तो एक का खाना लग गया, ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें ज़्यादा बात फीमेल के राइट के लिए ज़रूर हो रही है, क्योंकि फीमेल का जो हकूक है वो बहुत ज़्यादा पमाल हो रहे थे, इसलिए जो जेंडर स्टडी है ये तो बहुत, उस जब हमने स्टार्ट में सब्जेक्ट पढ़ा ये तो बातें तब क्लियर हो चुकी हुई थी। अब इन क्वेश्चंस को हम छोड़कर अब इसका आगे वाले टॉपिक्स के पे तवज्जो दें, पुरानी बातों को निकाल कर अब अगले जो चीज़ें हैं उनकी तरफ हमें तवज्जो देनी पड़ेगी। इस पे तो डिस्कशन बहुत हो चुकी हुई है।